Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Safar Ehsan and this is your channel Physics ka Safar. आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th फिजिक्स की जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की, उसके चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स है. कोशिश करेंगे कि इन न्यूमेरिकल्स को जितना ज्यादा हलवा मक्खन मिलाई बनाया जा सके आपके लिए. तो देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल नंबर 1 हमसे क्या इरशाद फरमाता है. कहता है एस्टिमेट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन अ लाइफ टाइम है कि लाइफ टाइम के अंदर, मतलब पूरी जिंदगी के अंदर है, आपका जो दिल है वो कितनी दफा धड़कता है, ये आपने बताना है. अब ना तो यहाँ पे लाइफ टाइम दिया हुआ है, ना तो आपको बताया हुआ है कि एक मिनट के अंदर हार्ट बीट्स कितनी होती है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर एक नॉर्मल पर्सन है ना, नॉर्मल पर्सन, तो उसकी जो एक मिनट के अंदर हार्ट बीट होती है वो 72 होती है. मतलब एक मिनट के अंदर उसका दिल जो है वो 72 बार धड़कता है. ठीक है, 72 टाइम्स धड़कता है. तो आपने बताना है कि लाइफ टाइम में, पूरी जिंदगी में उसका दिल जो है वो कितनी दफा धड़कता है. तो हम कह रहे हैं कि इफ एज ऑफ अ पर्सन इज 75 ईयर, एवरेज जो एज है ना किसी पर्सन की वो 75 ईयर्स होती है. लेकिन आजकल के जमाने में कुछ खुराकें ऐसी हैं कि आजकल एवरेज एज जो है वो 60 या 65 ईयर्स रह गया, तो उसके बाद जो है वो अल्लाह अल्लाह करने लग पड़ते हैं कि हाँ भाई अब जाने का टाइम आ गया है. तो बहरहाल हम एक सेहतमंद माशरे की बात कर रहे हैं कि सेहतमंद सारे उसमें बंदे रह रहे हैं, तो उसमें जो एवरेज इंसान की एज होती है ना वो कितनी है, वो 75 ईयर्स है. तो 75 ईयर्स में आपने बताना है कि दिल जो है वो कितनी दफा धड़कता है. तो उसके लिए देखिए यहां पर दिया हुआ है एक मिनट के अंदर 72 बीट्स होती हैं. ठीक है, 72 मरतबा जो है वो दिल धड़कता है. आपने क्या करना है, आपने पहले इस एज को जो कि 75 ईयर्स मैंने लिया है, एवरेज एज है, इसको आपने पहले मिनट्स में कन्वर्ट करना है. अब जब मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो जो वैल्यू आएगी उसको एंड में सिर्फ 72 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, सिर्फ ये छोटा सा काम करना है. मैं फिर से बता रहा हूं, एज को पहले मिनट्स में कन्वर्ट करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 72 से मल्टीप्लाई करना है, और आपका जो काम है वो सारा आसान हो जाएगा. तो सबसे पहले ना इसको मिनट्स में करते हैं. तो 75 ईयर्स है, तो यहां पे देखें 75 ईयर्स है, तो इसको पहले हम डेज में कर लेते हैं. मुझे बताएं एक साल में कितने दिन होते हैं. तो एक साल में जो दिन होते हैं ना वो 365 डेज होते हैं. कितने होते हैं, 365 डेज. यानी 75 को जब 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, हो गया, ईयर से डेज में आ जाएगा. अच्छा, अब डेज में कन्वर्ट हो जाएगा. अब जब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी. ओके, हो गया. अच्छा, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो आप इसको जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी मिनट्स के अंदर. ठीक है, मिनट्स के अंदर. तो ये काम हमने करना है. पहले हमने ईयर्स को डेज में किया, फिर डेज को आवर्स में किया, फिर आवर्स को मिनट्स में किया. तो अब इसका जो आंसर आएगा ना वो हम निकालेंगे, उसको 72 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहानी खत्म. इतना सा काम बस करना है. तो देखते हैं इसका आंसर है कितना आता है. तो 75 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 आप करेंगे. ठीक है, तो ये आएगा 39420. मैं इसको लिख लेता हूं कि 39420000 मिनट्स. मतलब कि अगर जो है किसी इंसान की एज 75 ईयर्स है, तो वो कितने मिनट्स जो है वो जीता है, वो तकरीबन है 39420000 मिनट्स जीता है. ठीक है, अब हार्ट बीट इन वन मिनट कितनी है, वो 72 है. तो हार्ट बीट इन, आप यहां पे लिखोगे हार्ट बीट्स इन 39420000 मिनट इज इक्वल टू. आपने ना सिर्फ इस वैल्यू को 72 से मल्टीप्लाई कर देना, बस और कोई भी काम नहीं करना. तो 39, क्योंकि मिनट्स में निकाले ना, तो एक मिनट में कितनी होती है, 72. तो मिनट की जगह यहां पे 72 आप लिख दो, सिंपल. तो 39420000 और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 72 से,
तो देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने से ये कितना आंसर आता है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 72 से, तो ये आपके पास आंसर आता है 2838240000 आ जाता है, ठीक है। तो आपका जो दिल है ना वो इतनी दफा धड़केगा, ठीक है, अगर आपकी जो एज है वो 75 ईयर्स है। ओके हो गया, और यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। तो यहां पर ना मैं लिख लेता हूं बीट्स, ठीक है, इतनी बीट्स उसकी होंगी। तो नंबर ऑफ ना हम बीट्स यहां पे फाइंड कर दिया है। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.8 × 10⁻⁹ बीट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास वो आंसर था जो हम कब से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पर ना आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है खत्म होता है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 का, डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। आपने जो है वो इसकी डायमेंशंस बतानी है कि क्या है, और इसकी डायमेंशंस बतानी है कि क्या है। अब देखिए, डायमेंशंस फाइंड करने के लिए ना एक बहुत ही इजी सा ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट मीटर है ना, उसकी डायमेंशन कैपिटल एल होगी, यानी कि लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, वेवलेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इन सब की यूनिट क्या है, मीटर है, ठीक है। इन सब को हम मीटर में मेजर करते हैं। तो मीटर की जो डायमेंशन है ना, जब भी जिसकी किसी की भी यूनिट अगर मीटर आ जाती है, तो उस क्वांटिटी की जो डायमेंशन होगी वो कैपिटल एल होगी। अच्छा, मैस है, मैस की यूनिट क्या है, केजी है, तो मैस की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एम होगी। टाइम है, टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड है, तो जो टाइम की डायमेंशन होगी ना वो कैपिटल टी होगी। तो सिर्फ आपने ये तीन डायमेंशन याद करनी है, तो सारी की सारी किसी भी आप फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम इसकी डायमेंशन को कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, इसमें ना दो चीजें आ रही हैं, एक तीन चीजें आ रही हैं, वेलोसिटी आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है, और डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप इसको कह लें। तो यहां पर मैं अगर लिखूं तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। बस इन चीजों को देखें और इसको देखें, डायमेंशन इसकी पुट कर लें, बस कहानी आसान। तो वेलोसिटी की क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर है तो कौन सी डायमेंशन होगी, कैपिटल एल, तो यहां पे आप लिखो कैपिटल एल। और आगे सेकेंड है ना, सेकेंड की डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी, तो यहां पर आप लिखो कैपिटल टी। और सेकेंड की पावर क्या है, -1, तो आप यहां पे लिख दो -1 और ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। और वी का स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, डन हो गया, डिवाइडेड बाय। एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर हो तो डायमेंशन कैपिटल एल, तो एल यहां पर लिख दो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है तो आपके पास टी आ जाएगा, तो कैपिटल टी लिख दो, ठीक है। और ऊपर क्या है, -2 पावर है, तो यहां पर -2 ऊपर लिख दो, तो एल टी -2, तो ये आ जाएगा। और एक्स इसकी डायमेंशन, इसकी यूनिट मीटर, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एल, तो यहां पे आप लिख दो कैपिटल एल। ओके हो गया, तो बस ये डायमेंशन पुट कर दो, आसान है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, एल का स्क्वायर, ठीक है, और t की पावर -2 और डिवाइडेड बाय, ऊपर स्क्वायर था ना, l का स्क्वायर हो गया, t की पावर -2 हो गया, और एंड l इंटू एल क्या होगा, ये l का स्क्वायर होगा और t माइनस टू। और याद रखें ये वाला जो ब्रैकेट ही है ना, ये लाजमी आपने लगानी है, क्योंकि यही डायमेंशन को शो करे, अगर यही ये नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट ही लाजमी लगानी है। अच्छा, ऊपर एल स्क्वायर टी माइनस टू, नीचे एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसका मतलब है ये जो आपके पास क्वांटिटी सी दी हुई है ना, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो आप यहां पे लिखोगे नो डायमेंशन, कि कोई डायमेंशन नहीं है भाई इसकी। क्यों, क्योंकि हमारे पास कट के आंसर क्या आया, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब इसकी देख लेते हैं, ठीक है, इसकी अगर देखें तो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने ये लिखी है, ए की डायमेंशन एल टी माइनस टू, तो यहां पे आप लिखोगे एल टी माइनस टू, ठीक है, तो ये हो जाएगी। और टी है, टी की डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी, यानी टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी है, इसकी यूनिट सेकेंड है, तो कैपिटल टी, और इसका आप करोगे स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय आप कर दोगे टू,
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एल टी माइनस टू और यहाँ पर ये टी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा। अब ये नीचे वाला हम रेज कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ अब आपको पता लग जानी चाहिए, तो ये गया। ओके अच्छा, अब नेक्स्ट का देख लेते हैं। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें टी की पावर टू है, यहाँ पे टी की पावर माइनस टू है, तो ये फिर गया, तो बाकी क्या बच गया, एल, तो कैपिटल एल डिवाइडेड बाय टू, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी वन बाय टू इन टू एल। तो इसकी जो जो डायमेंशन आएगी ना वो सिर्फ कैपिटल एल आएगी, क्योंकि डायमेंशन जो होती है ना वो वन बाय टू, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, यानी नंबर्स के बारे में, कॉन्स्टेंट की वैल्यूज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। तो इस जो क्वांटिटी की डायमेंशन आएगी ना वो क्या आएगी, वो कैपिटल एल आएगी, और यही हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर टू। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर थ्री चैप्टर नंबर वन का, इफ ए इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई का स्क्वायर जेड, देन फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स वाई एंड जी आर 1%, 1% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। अब यहां पर ना देखो, हमने इस ए के अंदर जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं वो तो बाद में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि डाटा के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। कहता है कि ये जो x है ना, इस x में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, 1 है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x इज 1%। ओके हो गया। अच्छा, अब y में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, वो भी 1% है, तो आप लिखोगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y इज इक्वल टू 1%। अब z में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, 2% है, तो आप लिखोगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z इज इक्वल टू 2%। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए आपने फाइंड करना है, वेयर ए इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर ओवर वाई का स्क्वायर और जेड इनटू जेड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका रूल होता है, रूल ये होता है कि याद रखें, अगर कोई वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, तो उसके अंदर अगर आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी उनमें फाइंड करनी हो, तो उन सब की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को निकाल के प्लस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ए में आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है ना, और फॉर एग्जाम्पल ए का फार्मूला होता x ओवर y z। अब x में परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1 है, y में भी 1 है, z में 2 है, तो आपने इन सब की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल के ना उनको ऐड कर देना था, और a में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकल आनी थी, यानी 1 + 1 + 2 करते तो 4 आ जाता, तो a में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होती, 4% होती, ठीक है। बट यहां पर x ओवर y z तो नहीं है, यहां पर जो वैल्यू है ना वो हमारे पास किस तरह की है, वो है हमारे पास a इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई का स्क्वायर इनटू जेड। अच्छा, अब इसमें दो रूल्स लगेंगे। दूसरा रूल कौन सा है, देखो एक्स की पावर हमारे पास 2 आ रही है, वाई की पावर 2 आ रही है, तो आगे इसके आ रहा है जेड आ रहा है, इसमें आप पावर फैक्टर का भी रूल लगेगा। पावर फैक्टर का रूल क्या कहता है कि आपने अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी एक्स में फाइंड करनी है ना, तो आपने इसकी पावर को इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, आपने इसकी पावर को इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसकी पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जेड की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो तीनों की जब निकल आएगी, तीनों को ऐड करें, कहानी खत्म, ठीक है। हो सकता है अभी ये जंतर मंतर लग रहा हो, लेकिन जब सॉल्व करेंगे ना फिर पता चलेगा। तो सबसे पहले ना हम इसमें फाइंड करते हैं, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, इसकी जो पावर होती है, पावर कितनी है, 2 है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स में जितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, और वो कितनी है, वो तो 1% है, तो आप इसको 1% से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2%, ये कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको क्लियर करके थोड़ा सा लिख दो, तो ये रूल्स होते हैं, ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, तो ये 2%। ओके गया। अच्छा, अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वाई स्क्वायर, क्योंकि ए वाली वैल्यू में ना ये तीनों आ रही है ना, तो तीनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल के ऐड करना है। तो अब इसमें देखो, वाई का स्क्वायर है, तो ऊपर वाई की पावर क्या है, 2 है, तो पहले लिखो 2, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, y में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके हो गया। तो ये रूल है कि पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से, उस वैल्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो ये भी कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जेड हम देखते हैं। अच्छा जेड के ऊपर कोई पावर है? नहीं है, तो जेड की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो एज इट इज लिख दे, वो आपके पास कितनी आएगी, वो आएगी 2%। सिंपल, क्योंकि उसकी पावर ही कोई नहीं है तो उस पर पावर फैक्टर का रूल लगेगा ही नहीं। अच्छा अब देखें, x के स्क्वायर की भी निकल आई है, y के स्क्वायर की भी निकल आई है, z की भी निकल आई है, अब कुछ भी नहीं करना, इन तीनों को प्लस करें, कहानी खत्म। तो आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन a आ जाएगी, तो हम यहां पे लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन a इज इक्वल टू, या इसकी कितनी है x स्क्वायर की 2% है, तो आप यहां पे लिख दो 2% प्लस y स्क्वायर की कितनी है 2%, तो यहां पे भी लिख दो 2%, Z की कितनी है 2%, तो यहां पे भी लिख दो 2%। अब ये कितनी आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी 6%। बस यही आपने करना था, यही आपका आंसर है, ठीक है। मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो तो उन सबकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल के उनको ऐड करते हैं, ये रूल है। बट अगर उनमें कोई वैल्यू के ऊपर पावर्स भी आ रही हो तो फिर उसमें पावर फैक्टर का भी रूल लगा के फिर उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल के फिर उनको ऐड करते हैं, तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी टोटल निकल आती है। ओके हो गया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 का। अच्छा इसकी ना स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी थी तो मैंने इसको ना शॉर्ट करके लिखा है, जस्ट उसकी 1.5 लाइन लिखी है, बाकी स्टेटमेंट मैं बुक से पढ़ूंगा और फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो कहता है अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर एक्सपीरियंसेस अ रेजिस्टिव फोर्स एफ, कि हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस आपके पास कितना है, वो आर है, और एक्सपीरियंसेस अ रेजिस्टिव फोर्स ड्यू टू द एयर एज इट मूव्स थ्रू द एयर एट स्पीड वी, द रेजिस्टिव फोर्स एफ इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एफ इज इक्वल टू सी आर वी। कि फॉर एग्जांपल ये क्या कर रहा है, एयर के अंदर मूव कर रहा है, मान लो एयर के अंदर ऐसे मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है एयर इस पे क्या लगाएगी, एक रेजिस्टिव फोर्स लगाएगी जो जाहिर सी बात है अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और उसकी वैल्यू कितनी है, एफ इज इक्वल टू सी आर वी उसने दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्या कहता है, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट बाय यूजिंग डायमेंशन डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ सी, इस कॉन्स्टेंट सी की आपने क्या करनी है, एसआई यूनिट डिराइव करनी है। अब देखें आपने क्या करना है, ये जो सी है ना इसकी यूनिट डिराइव करनी है, ठीक है, एसआई यूनिट डिराइव करनी है, बट डायमेंशन को यूज करते हुए, ये उसने कंडीशन साथ में रखी हुई है। तो हम कैसे उसको फाइंड करेंगे वो चीज हम देख लेते हैं। अब यहां पे सबसे पहले तो सी को सेपरेट करते हैं, तो सी को अगर आपने सेपरेट करना है तो यहां पर सॉल्यूशन में सी को अगर सेपरेट करना है आप लिखोगे सी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय वी आर, एफ डिवाइडेड बाय वी आर, ठीक है, सी को इधर ही रहने दो ना, और वी आर को क्या कर दे, इधर नीचे ला के डिवाइड कर दे। अब फोर्स की जो हमारे पास डायमेंशन होती है वो देखें क्या होती है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, और जो एम की डायमेंशन होती है वो क्या होती है, कैपिटल एम, क्योंकि इसकी यूनिट केजी होती है। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन फर्स्ट न्यूमेरिकल में हम देख के आ चुके हैं, वो हमने कितनी देखी थी, एल टी माइनस टू। तो फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो होगी एफ एम एल टी माइनस टू। ओके हो गया, फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो एम एल टी माइनस टू होगी। अच्छा v की डायमेंशन क्या थी, ये भी हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखी थी, v की डायमेंशन थी LT-1, ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल को ना एक दफा दोबारा से देखना है, उसमें सारी कहानियां बताई हैं। और r रेडियस है, और मैंने कहा था रेडियस की भी यूनिट क्या होती है, मीटर, तो जिसकी भी यूनिट मीटर होगी उसकी जो डायमेंशन है वो क्या होगी, वो कैपिटल L होगी, ये भी फर्स्ट न्यूमेरिकल में बता के आ चुके हैं। अब ये सारी डायमेंशन इधर पुट करें आंसर आ जाएगा, तो यहां पे आप लिखोगे c इज इक्वल टू f की क्या है, एम एल टी माइनस टू, और डिवाइडेड बाय v की क्या है, एल टी माइनस वन, और r की क्या है, कैपिटल L। तो ये आपके पास आ जाएगा एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और डिवाइडेड बाय l इंटू एल, एल का स्क्वायर, तो l का स्क्वायर और t माइनस वन आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आंसर आएगा वो चीज देखते हैं। तो ये l की पावर 2 है ना, ऊपर जाके माइनस टू हो जाएगा, तो यहां पर आप लिखोगे m उसी तरह, और ये क्या आ जाएगा, l इंटू एल की पावर यहां पर माइनस टू, और या ना इसको इकट्ठा लिख देते हैं, ठीक है, इस l की पावर कितनी है, 1,
और ये 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2, तो आप यहाँ पे लिखोगे एल की पावर 1 माइनस 2 आप लिखोगे। अच्छा आगे क्या है, टी की पावर माइनस 2 है, तो यहाँ पे टी की पावर माइनस 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस 1 हो जाएगी, तो आप कुछ इसको इस तरह से लिख दोगे। ओके हो गया, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन, कुछ भी नहीं किया, एम एल टी माइनस 2 उसी तरह, एल का स्क्वायर ऊपर जब गया है तो पावर माइनस 2 हो जाएगी, टी माइनस 1 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास एम 1 माइनस 2 कितना होता है, ये माइनस 1 होता है, तो एल की पावर माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है, ये माइनस 1 होता है, तो टी की पावर माइनस 1, तो ये ना इसकी डायमेंशन निकल आएगी। ठीक है, सी की डायमेंशन निकल आएगी, तो आप कहोगे कि सी की हमारे पास डायमेंशन कितनी आई है, एम एल माइनस 1 टी की पावर माइनस 1 आई है। ओके हो गया, और ये जो स्टेप किया था, कई बच्चों को इसी स्टेप में इशू हो जाएगा, सर ये कैसे हुआ है भाई, ये एल है, ये एल स्क्वायर है, ये 2 ऊपर जाके माइनस 2 हो जाएगा, ये टी माइनस 2 है, टी माइनस 1 है, ये माइनस 1 ऊपर जाके प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम है। अच्छा अब देखो यहां पर कैपिटल एम किसकी यूनिट, किसकी डायमेंशन थी, मैंने कहा था जिसकी भी यूनिट केजी होगी ना उसकी डायमेंशन है कैपिटल एम होगी, यानी ये मैस की डायमेंशन है, और मैस की यूनिट क्या होती है केजी। एल किसकी डायमेंशन है, जिसकी भी यूनिट मीटर होगी, जिस भी क्वांटिटी की यूनिट मीटर होगी, तो यहां पे आप लिखोगे मीटर और ऊपर लिखोगे माइनस 1। टी किसकी है, जिसकी भी यूनिट जो है वो सेकंड होगी, ठीक है, जिस भी क्वांटिटी की यूनिट सेकंड है उसकी डायमेंशन क्या होगी, टी की टी होगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा एस लगाएंगे और उसकी पावर माइनस 1 है, तो ये आपके पास क्या निकल आई, यूनिट निकल आई, ये क्या निकल आई, यूनिट निकल आई, और यही तो आपने फाइंड करनी थी एस आई यूनिट, कि सी की ऐसा यूनिट क्या है, बट डायमेंशन को यूज करके, एम है तो के जी लिख दिया, एल है तो मीटर लिख दिया, टी है तो सेकंड लिख दिया, पावर उसी तरह लिख दी, तो के जी पर मीटर पर सेकंड, ये सी की यूनिट होगी, ये सी की डायमेंशन है, सी कॉन्स्टेंट है, उसकी डायमेंशन है, ये उसकी यूनिट है, और यही हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 का, जो कि बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। द प्रेशर पी एट अ डेप्थ एच इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू रो जी एच, के अगर आपने डेप्थ के अंदर प्रेशर की वैल्यू को फाइंड करना हो तो आप पी इज इक्वल टू रो जी एच से फाइंड कर सकते हैं, जबकि इसमें पी क्या है, प्रेशर है, रो क्या है, डेंसिटी है, जी क्या है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एच क्या है, हाइट ऑफ वाटर है या हाइट ऑफ फ्लूइड है, तो वेयर जी इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चेक द होमोजेनिटी ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है ना, पी इज इक्वल टू रो जी एच, आपने इसकी होमोजेनिटी चेक करनी है। अब वो कैसे चेक करते हैं, देखो सबसे पहले यहां पर जो पी है ना, जो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, प्रेशर है, प्रेशर की डायमेंशन निकालेंगे, फिर हम रो जी एच की डायमेंशन निकालेंगे, अगर लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की डायमेंशन के इक्वल आ जाती है तो ये इक्वेशन होमोजीनियस है। ओके हो गया, मैं फिर से बता रहा हूं, पहले हम लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू उसकी डायमेंशन निकालेंगे, फिर जो राइट साइड पे इसकी डायमेंशन निकालेंगे, अगर दोनों की डायमेंशन इक्वल आ जाती है, मतलब दोनों की डायमेंशन सेम आ जाती है, तो ये फिर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। तो देखते हैं कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, प्रेशर, तो पहले प्रेशर की डायमेंशन निकालते हैं। तो प्रेशर क्या है, P इज इक्वल टू, आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अगर आप इसकी डायमेंशन निकालें तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस 2। जरा याद करें हमने ये कहां पे देखी है, अरे पिछले न्यूमेरिकल में देखी है, जो न्यूमेरिकल नंबर 4 हमने किया है, ठीक है, वहां पे हम ये निकाल के आ चुके हैं। डिवाइडेड बाय एरिया की डायमेंशन क्या होती है, देखिए एरिया की जो यूनिट होती है ना वो मीटर स्क्वायर होती है, और आपको पता है जिसकी भी यूनिट मीटर होती है उसकी जो डायमेंशन होती है वो कैपिटल एल होती है, लेकिन यहां पर मीटर स्क्वायर है तो यहां पर आप लिखोगे कैपिटल एल का स्क्वायर, कैपिटल एल का स्क्वायर आप लिखोगे, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है ये इस एल से काट जाएगा, एल ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी, एम एल, ये एल ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ना, एम एल माइनस 1, और टी जो है वो उसी तरह आएगा, टी माइनस 2 आएगा, ठीक है, यानी जो प्रेशर की डायमेंशन निकली है वो कितनी निकली है, और ये ब्रैकेट लास्ट भी इसमें लगानी है, वो क्या निकली है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है। अच्छा अब ये लेफ्ट साइड की थी, ठीक है, अब रो जी एच, अब रो जी एच की डायमेंशन निकालते हैं, अगर उसकी भी यही डायमेंशन निकल आई ना तो इक्वेशन होमोजीनियस है, ये हमने बस फाइंड करना है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं रो जी और एच,
अब रो क्या होती है, डेंसिटी आपके पास होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए भाई, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो डेंसिटी की जगह आप क्या लिखोगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे आप लिखोगे जी, यहाँ पे आप लिखोगे एच लिख दोगे। ओके हो गया। अब मास की डायमेंशन क्या होती है, मास की डायमेंशन होती है कैपिटल एम, ठीक है। और जी की डायमेंशन क्या होती है, देखो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जो ए की डायमेंशन है वही जी की डायमेंशन है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में ए की डायमेंशन दे के आ चुके हैं, वो क्या आती है, एल टी माइनस टू, ठीक है। और एच की डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल है, तो आप यहां से ये काम कर दोगे, डिवाइडेड बाय हाइट है ना, हाइट की डायमेंशन कैपिटल एल होती है, ठीक है। एक्सलरेशन की क्या होती है, एल टी माइनस टू, ए इज इक्वल टू जी है, तो जो ए की डायमेंशन है वही जी की डायमेंशन है। ओके हो गया, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। अच्छा नीचे क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, और मीटर जिसकी भी यूनिट होगी उसकी डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल, तो ऊपर क्या है, क्यूब है, तो यहां पर आ जाएगा कैपिटल एल का क्यूब। ओके हो गया। अच्छा ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा एम एल इंटू एल, क्या बनेगा, एल स्क्वेयर और टी माइनस टू, और ये क्या आ गई, ब्रैकेट, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एल का क्यूब आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा ये एल की पावर क्या है, 3 है ना, तो आप उसको ऊपर ले जाएं, क्योंकि ये भी एल है ये भी एल है, तो 3 को ऊपर ले जाए तो ये -3 हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे एम एल की पावर 2-3 और टी की पावर -2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब 2-3 क्या होता है, -1 होता है, तो यहां पे आप लिख दें -1, यहां पे आप क्या लिख दें, -1 लिख दें, टी माइनस टू को थोड़ा सा करीब करके लिख देते हैं, तो टी माइनस टू। होप सो कि इस स्टेप की आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब ये आपके पास आ गई रो जी एच की डायमेंशन। अब देखें पी की डायमेंशन क्या है, एम एल माइनस वन, एम एल की पावर -1, टी की पावर -2, रो जी एच क्या है, एम एल -1, टी -2। तो देखें ये दोनों जो डायमेंशन है ये सेम नहीं आ गई, तो यही तो उसने कहा है कि चेक द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस है, जिसकी दोनों साइड की जो डायमेंशन है वो सेम है। ओके हो गया। तो दोनों साइड की डायमेंशन सेम आ गया, आप ये लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके हो गया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6, और एक छोटा सा न्यूमेरिकल है ये, एस्टिमेट हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन अ बैक्टीरियम, के एक बैक्टीरियम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो देखिए बैक्टीरियम क्या होता है, क्योंकि बायो की ये टर्म है, तो मैंने एक बायो वाले टीचर से ही पूछा कि बताएं सर ये बैक्टीरियम क्या होता है, तो उन्होंने कहा जो बैक्टीरिया होता है वो प्लूरल होता है, और जो बैक्टीरियम होता है वो सिंगुलर होता है। तो एक बैक्टीरियम के अंदर आपने बताने हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं। तो एक टिपिकल बैक्टीरियम का जो मैस होता है ना वो कितना होता है, 10^-15 kg होता है, ठीक है। तो मैस ऑफ बैक्टीरियम जो होता है, मैस ऑफ बैक्टीरियम वो कितना होता है, वो होता है 10^-15 kg, ये आपने याद करना है, ठीक है। 10^-15 kg ये आपने क्या करना है, याद करना है। और मैस ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो जाहिर सी बात है बैक्टीरियम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो मौजूद है। और प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो उसका मैस कितना होता है, 10^-27 kg होता है, ठीक है। सिर्फ 10 की पावर्स में लिख रहे हैं, वैसे तो 1.67 × 10^-27 kg होता है ना, लेकिन जस्ट 10 की पावर्स में लिख रहे हैं चीजों को आसान रखने के लिए। तो जो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन बैक्टीरियम अगर आपने निकालने हैं, बैक्टीरियम, ठीक है, जिसको हम आप ना एन बी से शो कर दें कि नंबर हम फाइंड कर रहे हैं बैक्टीरियम के अंदर, तो आप उसके लिए क्या करो कि मैस ऑफ बैक्टीरियम डिवाइडेड बाय मैस ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कर दो, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस सेम होता है, ठीक है। अच्छा मैस ऑफ बैक्टीरियम कितना है, वो तो है 10^-15 kg। ओके हो गया। डिवाइडेड बाय मैस ऑफ प्रोटॉन कितना है या न्यूट्रॉन उसका कितना है, ठीक है, दोनों का सेम होता है ना, तो 10^-27 kg है। अब केजी जो है वो केजी से कट जाएगा, और ये 10^-15 और -27 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +27, तो ये आ जाएगा 10^12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि नंबर की कोई यूनिट
नहीं होती। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन बैक्टीरियम वो कितने हैं, 10^12 हैं, और यही चीज आपने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 7, चैप्टर नंबर 1 का एक छोटा सा न्यूमेरिकल है ये। एस्टिमेट दैट हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम डज इट टेक टू स्ट्रेच अक्रॉस द डायमीटर ऑफ द सन, कि अगर हमारे पास ये हमारे पास क्या है, सन है, और मान लो ये इसका क्या है, डायमीटर है, तो इसके डायामीटर के ऊपर कितने हाइड्रोजन एटम्स को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, मतलब कितने हाइड्रोजन के एटम यहां पर आ सकते हैं, ठीक है, इसके डायामीटर के ऊपर। तो ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहां पर जो कुछ वैल्यूज हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि डायामीटर ऑफ सन क्या होता है, 1.39 × 10⁻⁹ मीटर, और डायामीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है, 1.2 × 10⁻¹⁰ मीटर होता है। अगर कुछ भी याद ना रखें तो ये 10⁻⁹ और 10⁻⁹ ये लाजमी याद रखना है, ठीक है। तो अगर सिर्फ ये भी अगर आप पुट कर देना ये 10 की पावर जी, तब भी आपके पास करेक्ट आंसर निकल आता है। बहरहाल ये वैल्यूज आपने याद करनी है। तो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आपको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, DS डिवाइडेड बाई DH, मतलब डायामीटर ऑफ सन को डायामीटर ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो DS डिवाइडेड बाई DH आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायामीटर ऑफ सन डिवाइडेड बाई डायामीटर ऑफ हाइड्रोजन, तो वो देख लेते हैं, ये कितना आएगा, 1.39 × 10⁻⁹ मीटर, डायामीटर ऑफ सन डिवाइडेड बाय 1.29 × 10⁻⁹ मीटर, डायामीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मीटर जो है मीटर से काट जाएगा, 1.39 को जब आप 1.2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आता है 1.16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ है ना, और यहां पे क्या है, माइनस टेन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 10, और 10 + 9 क्या होता है, 19, तो यहां पर आपके पास आएगा 10⁻⁹ आएगा, ठीक है। अच्छा 10⁻⁹ तो आ जाएगा, मुझे बताएं कि क्या इसकी कोई यूनिट होगी या नहीं होगी, भाई कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि नंबर की कोई यूनिट है नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, लिहाजा आपने इसको एज इट इज रहने देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इतने हाइड्रोजन एटम जो है इसके ऐसे डायामीटर के ऊपर हम ऐसे जोड़ सकते हैं, या जोड़े तो इतने हाइड्रोजन एटम आएंगे। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8, जो कि इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। काफी बच्चे ने इसको बड़ा मुश्किल समझते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा हलवा मक्खन मलाई इसको आपके लिए बना सके। तो द करंट पासिंग थ्रू अ रेजिस्टर आर, जिसकी वैल्यू कितनी है, 13 ± 0.5 ओम, इज आई 3 ± 0.1 एम्पेयर। अच्छा एक रेजिस्टर है जिसमें से कोई करंट जो है ना आई वो पास कर रहा है। अच्छा रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, 13 ओम है, ठीक है, और जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर किया गया है वो हमारे पास उसका लीस्ट काउंट कितना है, वो 0.5 ओम है, यानी कि जो 0.5 है इसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, और जो किसी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है उसी को ही हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। अच्छा अगर हम इसकी बात करें तो करंट कितना है, 3 एम्पेयर मेजर है, करंट कितना है, 3 एम्पेयर है, और जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है उसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 एम्पेयर, जिसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। तो ये जो है ना, ये रेजिस्टेंस है 13 ओम और करंट 3 एम्पेयर, ये मेजर्ड वैल्यूज है, और ये जो है ना 0.5 और ये 0.1, आप इसको लीस्ट काउंट कह लें किसी इंस्ट्रूमेंट का, या आप इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कह लें, एक ही बात होती है, ठीक हो गया। अच्छा अब जो चीज फाइंड करनी है, कहता है पावर कंज्यूम्ड कितनी हुई है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टर, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन पावर। तो ये चार चीजें आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखते हैं वन बाय वन हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इस बी को फाइंड करेंगे, फिर हम सी को फाइंड करेंगे, फिर हम ए को फाइंड करेंगे, और लास्ट में हम डी को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई इस बी को हम कैसे फाइंड करें, ये जो बी पॉइंट है यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट फाइंड करते हैं। तो याद रखें कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, वो होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100।
तो भाई ये एक जस्ट आप फॉर्मूला याद रख लें, सारे ना इस पूरे न्यूमेरिकल में बस ये एक फॉर्मूला आप याद रख लें और यही आपके बी सी और डी तीनों को सॉल्व कर देगा। ठीक है, क्या क्या मैंने कहा है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी करंट रेजिस्टर और पावर निकल आएगी। तो बहरहाल देखते हैं कि करंट की कितनी निकलेगी। देखो करंट की एब्सोल्यूट आंसर, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, वो कितनी है जो प्लस माइनस के साथ आती है ना, वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। तो वो आपके पास कितनी आएगी? वो आपके पास आएगी 0.1 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू ये है 3, तो आप यहाँ पे लिखोगे 3 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, हम इसको ना सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये कितना आंसर आएगा। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 3.3% आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 3.3% आ जाएगा, 3.33% इसको करने, ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट होगा, तो 3.33%। तो एक चीज फाइंड हो गई, एक चीज तो फाइंड हो गई। अच्छा दूसरी चीज फाइंड करते हैं, सेकंड चीज मैंने क्या कहा था, पहले बी फाइंड करेंगे फिर सी। सी फाइंड करते हैं, सी हमारे पास क्या है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टर आर। ठीक है, अच्छा अब इसको इसमें हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो वो चीज देखते हैं। देखो फिर से वही बात, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, यही फार्मूला हम लगाएंगे। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसकी कितनी है? 0.5, मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 13 और मल्टीप्लाई बाय आप 100 करोगे। ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.5, मेजर्ड वैल्यू 13 और मल्टीप्लाई बाय 100, ये हम रेजिस्टर के लिए आप निकाल रहे हैं। और वो कितनी आएगी, आप इसको मैंने इसको सॉल्व कर लेता हूं फिर से कैलकुलेटर के ऊपर, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 13 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 3.84% आ जाएगा। ठीक है, 3.84%, तो 3.85% अब इसको अप्रोक्सीमेटली कर देते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेजिस्टर भी निकल आई, ओके हो गया। अच्छा बी भी फाइंड हो गया, सी भी फाइंड हो गया, अब ए फाइंड करते हैं, उसके बाद डी पे आते हैं। भाई ए फाइंड करना है तो वो चीज देखो क्या थी, पावर कंज्यूम्ड। पावर कंज्यूम का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये पावर कंज्यूम का फॉर्मूला होता है, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। एक तो पी इज इक्वल टू वी आई होता है, एक पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, एक पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। तो पावर के ये तीन फार्मूला होते हैं। तो इसमें पावर कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। भाई फार्मूला तो याद करने पड़ेंगे ना। तो पावर कंज्यूम कैसे फाइंड करते हैं, देखो करंट कितना है, ये इनकी वैल्यूज हैं। अब इसमें अनसर्टेनिटी नहीं पुट करनी, ये इनकी वैल्यूज पुट करनी है। करंट कितना है, 3 है, तो यहां पर आप करोगे 3 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितनी है, 13 है, तो यहां पर आप पुट कर दोगे 13। तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आ जाएगा, और 9 मल्टीप्लाई बाय 13 ये आ जाएगा 117 आ जाएगा। ठीक है, 117 वाट। तो पावर कंज्यूम कितनी हो रही है, वो हो रही है 117 वाट हो रही है, ओके हो गया। तो ये काम आपने करना था। अब तीन चीजें तो फाइंड हो चुकी हैं, तीन चीजें तो हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं, बी ए भी फाइंड हो गया, ए भी फाइंड हो गया, बी भी फाइंड हो गया, सी भी फाइंड हो गया। मसला रह गया डी का। अब डी थोड़ा सा ना ट्रिकी है। अब डी देखो कैसे हम फाइंड करेंगे, गौर से सुनना है। डी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर, और वो क्या होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हम यूज करेंगे फार्मूला। अच्छा अब सेम मैंने कहा ना चारों तीनों में यही यूज हो रहा है। अब देखिए यहां पर हमने फाइंड करनी है ए यू, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि इस केस के अंदर हमें ये चीज फाइंड करनी है। अगर ये चीज फाइंड करनी है तो हम यहां पे क्या करेंगे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मेजर्ड वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मेजर्ड वैल्यू और डिवाइडेड बाय ये 100 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन पावर, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन पावर। फिर से देखो ये जिस पे मैंने सर्कल लगाया ना, ये सिर्फ इधर ही रहने दी, मेजर्ड वैल्यू को भी उठाकर इधर ले आए, 100 को भी उठाकर इधर ले आए, तो मेजर्ड वैल्यू डिवाइड में आ रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी,
100 मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, मैयट वैल्यू है, बिल्कुल है, वो कितनी है पावर की, 117 वॉट है। तो भाई मैयट वैल्यू तो है, 100 भी हम उसी तरह लिख सकते हैं। एक चीज नहीं है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर। तो पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर फाइंड करेंगे, मैयट वैल्यू हमारे पास ये पहले से ही है, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकल आएगी, कहानी खत्म, किस्सा खत्म। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई अब हम ये वाला किस्सा कैसे खत्म करते हैं। तो मैं इसको ना अब रेज कर रहा हूँ, ये जो तीन चीजें ने आपने लिख लेनी है, अब सिर्फ मैं ये फार्मूला लिखा रहने दूंगा, ये वैल्यू लिखी रहने दूंगा, बाकी मैं सारा कुछ मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया, ओके हो गया। अब देखो हम फाइंड कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो फाइंड करने का देखिए तरीका क्या है। देखो पावर का पहले फार्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अपन परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर फाइंड करने के लिए एक तरीका याद रखे कि पहले आपने क्या करना है कि आई स्क्वायर, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, आर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, दोनों को प्लस कर दो, दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को प्लस कर दो तो पावर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकल आएगी। सिंपल, उसकी वैल्यू को इधर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कि वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो देखते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई स्क्वायर, पहले हम देखते हैं आई स्क्वायर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, उन दोनों को प्लस करो तो पावर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकल आएगी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई स्क्वायर कैसे करते हैं, देखो मैंने पहले भी बताया था, जो इसे पहले हमने न्यूमेरिकल किए थे इसी चैप्टर के, उसमें बताया था कि यहां पर आई की पावर आ रही है 2, तो इसका मतलब पावर फैक्टर वाला भी इसमें रूल लगेगा, यानी जो पावर आ रही है वो पहले लिखते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं करंट की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ने आई स्क्वायर निकल आएगी। अब जो करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी वो हमारे पास कितनी थी, वो थी 3.33%। बस अगर तो सिंपल आई होता ना, यानी पी इज़ इक्वल टू आई आर होता तो बड़े मजे की चीज थी। आई की हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी पहले ही फाइंड की हुई थी, आर की पहले ही फाइंड की हुई थी, दोनों को प्लस कर दे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी पावर निकल आती, वो बड़ा सिंपल था। लेकिन आई स्क्वायर आ गया है तो आपको ये जो इसका स्क्वायर है ना, पावर 2 है, इसको इस 2 को आपको इसकी आई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू आपको पता है कब आई थी, ये जब हमने ये बी फाइंड किया था, जो मैंने मिटा दिया, ये बी फाइंड किया था तो ये आया था। ठीक है, अच्छा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 6.66%। तो आई स्क्वायर की तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड होगी, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर वो हमने कितनी फाइंड की थी, वो हमने फाइंड की थी 3.85%। वो कितनी फाइंड की थी, 3.85% हमने फाइंड की थी। इसका मतलब है ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी है, आई स्क्वायर की है, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी है, आर की है, दोनों को प्लस कर दो, कहानी खत्म करो। तो जब दोनों को प्लस करेंगे ना, तो देखते हैं क्या आता है, जब दोनों को प्लस करेंगे तो आप यहां पर लिखोगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर, वो कितनी आएगी, वो पहले ये लिखो 6.6%, 6.6% जो आई स्क्वायर की आई है परसेंट, और आर की कितनी आई है 3.8%, तो प्लस 3.85%। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पे ना 6.66 है, यहाँ पर 6.66 है। ठीक है, अच्छा जब हम इसको प्लस करेंगे तो हम एग्जैक्ट वैल्यूज की फाइंड कर लेते हैं, तो 6.66 है प्लस 3.85 है, तो ये आ जाएगी 10.51। तो 10.51% अनसर्टेनिटी, तो ये आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर। तो ये भी फाइंड हो गई, ये भी फाइंड हो गई, ओके हो गया। अच्छा अब आप गौर से सुनो, अब हम यहाँ पे करने के वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ना इसको मैं ऊपर लिखने वाला हूं कि जो पावर की जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी है, वो 117 वॉट है। ठीक है, तो इसको भी मैं एक डब्बे में ना बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब हम ना इस जो नीचे मैंने फार्मूला नहीं लिखा हुआ, इस फार्मूले के अंदर हम इसको पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, किस फार्मूले में, इस फार्मूले में। ठीक है, अब देखो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पावर निकालनी है तो आप लिखोगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन पावर इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर कितनी है, वो तो ये है 10.51। मल्टीप्लाई आपने इसको किससे करना है, मैयट वैल्यू, और मैयट वैल्यू कितनी है 117, तो 117 डिवाइड आपने इसको किससे करना है, 100 से कर देना है। बस
अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा वो चीज देख लेते हैं। तो ये आएगा 10.51, मैं कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 117 और डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 12.29, या मैं इसको सिंपल लिख रहा हूँ 12.2, मैं इसको लिख रहा हूँ। ओके हो गया। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसमें कितनी आई है, 12.2 आई है, जिसको हम लिख सकते हैं। देखो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि 117 प्लस माइनस 12.2 आ जाएगा, ठीक हो गया। और यहां पर क्या आएगा, वॉट आ जाएगा, और ये किसकी वैल्यू है, पावर की, और यही तो हमने फाइंड करनी थी, यही तो हमने फाइंड करनी थी। ओके हो गया। तो देखो ये फार्मूला यूज करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम यहाँ से फाइंड कर ली, मैयट वैल्यू हमें 117 वो पहले से ही पता थी, वो हमने फाइंड की थी, डिवाइडेड बाय 100 इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास 12.2 आएगा। और आप इसको जैसे ये नहीं लिखा हुआ ये वाला, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.1 है। सेम इसी तरह मैयट वैल्यू कितनी है, 3 है। सेम इसी तरह पावर की मैयट वैल्यू कितनी है, 117। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसमें कितनी है, 12.2 है, और वॉट क्या है, पावर की यूनिट है। तो हमने इसको भी इसी फॉर्म में लिख लिया। बहरहाल हमारा जो आंसर है ना वो ये है 12.2। तो इसका आंसर कितना आया, 117। इसका आंसर कितना हमारे पास आया, 3.33%, इसको ना मैं यहाँ पे लिख भी, इसका आंसर कितना आया, 117 वॉट। इसका आंसर कितना आया था, 3.33%, और इसका रेजिस्टर का आंसर कितना आया था, 3.85%, और एब्सोल्यूट आंसर टेंटी कितनी आई है, वो 12.2 आई है, ठीक है, 12.2 वॉट कर ले या इस तरह से, सही है। तो इसको फिर हमने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। होप सो अब ये न्यूमेरिकल आपके लिए इजी हो गया होगा और समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8। यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। तो होप सो कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।